आपका डांस देख के थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा कि थोड़ा डांस तो मैं कर लूं, फिर आना चाहिए था ना फिर। नहीं नहीं, फिर मैंने घर भी जाना है, मुझे याद आ गया। टीवी से डर लगता है या डांस से डर लग रहा था? दोनों से एक्चुअली तो। और इंडिया अब रंगों के इस त्योहार में अपनी गायकी के रंग बिखेरने के लिए आ रहे हैं वो जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी सिंगिंग से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। सो प्लीज वेलकम मथुरा के पावन भूमि से सिंगिंग सेंसेशन हेमंत ब्रिजवासी। होरी में आज धूम मची है, रंग गए सब नर नारी, ओ भर पिचकारी ऐसी मारी, जौन जबरी भी जोए दई सारी। रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे हे रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे हे रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे। हेमंत सच में होली के इस एपिसोड की शुरुआत इससे बेटर तो नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इंडिया वादा किया था जो कल उसको आज निभाने आए हैं, ना छूटेंगे आपकी जिंदगी से कभी, ऐसे रंग लगाने आए। वैसे जी तुम्हें होली खेलना अच्छा लगता है? हाँ बहुत, मतलब मैं जब छोटी थी ना तब एक रात पहले से ही वो गुब्बारे भर के रख देती थी। दिल्ली में हम रात को नहीं भरते क्योंकि 24 घंटे पानी आता है, सुबह उठ के भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अमित, लेकिन हम साफ पानी भरते थे गुब्बारों में। मुझे पता है लड़के ना कुछ भी कचरा वचरा गंदे नाली का पानी ये सब भरते थे गुब्बारे में। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बैठो, मैं थोड़ा होली के बारे में और बताता हूँ जो हमारे यहाँ होता था। इन्हीं को बिठाइए जोरदार ताली के साथ। होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसपे खर्चा नहीं होता आदमी का ज़्यादा। दिवाली पे बहुत खर्चा है यार, कपड़े खरीदने हैं, पटाखे खरीदने हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है खास। कपड़े खरीदने नहीं, इनफैक्ट पुराने कपड़े निकल जाते हैं। राइट, उस दिन हम पुरानी टी शर्ट जिसका मम्मी ने बोला अब इसके बाद पोचा बनना है, वो टी शर्ट हम उस दिन पहनते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ना उस टी शर्ट को धोते नहीं होली के बाद, उसके बाद हमारे घर में पोचा पिंक कलर का ही लग रहा होता है एक एक। उसके बाद होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली वाले लोग जो होली से 3 दिन पहले शुरू हो जाते हैं कि यार पानी बहुत लगता है यार होली पे, आई डोंट प्ले होली, यू नो यू हैव टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। मैं कहा भाई तूने SUV है तेरे पास जो तू हर दूसरे दिन 400 लीटर से धोता है, जितना पानी तो SUV धोने में लगा रहा है ना उतने में पूरा मोहल्ला होली खेल सकता है, तेरे को एनवायरनमेंट सिर्फ होली वाले दिन ही याद आ रहा। फिर आजकल एक तो निकले सेल्फी वाली होली वाले लोग, ये कपड़े पहन लेंगे पूरे यू नो होली खेलेंगे पर साथ में एक पॉलीथीन के लिफाफे में फ़ोन लेके फिर रहे हैं, फिर भीगे हुए फिर वो निकालेंगे कि फिर इनका अंगूठा नहीं चलता उसके ऊपर। अच्छा अब फेस वाला लॉक भी काम नहीं कर रहा कि वो कह रहा है कि भाई तू है कौन। पर तुम मूवीज देखो, मूवीज वाली होली हम खेल ही नहीं सकते। वो होली में देखे वो ऐसे वाले थाल, ये जो थाल पड़े ना वो लेके आएगी हीरोइन, ऐसे ऐसे करेगी और ऐसे फेंक देगी। हमारे घर में फेंक के देखो थाल भरा हुआ। उसके बाद 1 घंटा माँ बाप झाड़ू कर लगवाएंगे कि यही यूज करना है अब तूने आज सारा।
Thank you. That was all from my side. वैसे अनु सर, अब इंडिया ने आज तक कभी आपकी आवाज और मोनालिसा का अंदाज इकट्ठा नहीं देखा, आज एक मौका बना तो थोड़ा सा तो बनता है। प्लीज वेलकम किंग ऑफ म्यूजिक विद द क्वीन ऑफ ठुमकास, अनु मलिक एंड मोनालिसा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मोनालिसा, और इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, जिसके ठुमके ने मचा दिया यूपी और बिहार में धमाल, आज पहली बार करेगी अपनी कॉमेडी से कमाल, कॉमेडी से कमाल, तुम्हारे ओनली मोनालिसा। हेलो अमित, ओ सॉरी, मैं ना पेट देख के कंफ्यूज हो गई। अमित तो जिया के साथ वहां बैठा है। अरे यार, ये स्टैंड अप करने के प्रेशर में ना सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। अभी घर पे कुत्ते को दवाई और बाबूजी को गेट से बांध के आ गई। ये देख के मेरा पति शुरू हो गया भड़बर भड़बर भड़बर। मैंने कहा देखो, हर चीज में ना गलती मत ढूंढा करो, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। दिन पे दिन तुम भी ना अमित टंडन बनते जा रहे हो। यार कितना प्रेशर है अमित, कैसे कर लेते हो ये सब? ओ सॉरी, तुम तो सिर्फ चुगली करते हो ना। और जिया, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? यार आगे की लाइन क्या थी? हाँ, यार कैसे कर लेती हो ये सब? वैसे आज होली है और होली में सब माफ है। वैसे मेरा असली नाम है अंतरा विश्वास, लेकिन लोग मुझे मोनालिसा के नाम से जानते हैं। वैसे आप सब लोगों को तो पता ही होगा, मैंने एक रियलिटी शो में शादी की है, और रियलिटी शो में शादी करने के ना अपने ही फायदे हैं। घर वालों को कोई टेंशन ही नहीं, ना चम्मच प्लेट कम होने का टेंशन, ना टेंट वालों का टेंशन। वहाँ मेरी शादी हुई, यहाँ घर वाले बस टीवी ऑफ करके सो गए। और मैंने ना भोजपुरी में ऐसी ऐसी फिल्में की है जिसका नाम मैं किसी को बताती हूँ तो पता नहीं क्यों रोमांटिक हो जाते हैं। अमित जरा पूछो मुझे, मैंने कौन सी फिल्में की है, कौन कौन से नाम है पिक्चरों के? कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के, नथुनिया पे गोली मारे, मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी, वैसे अमित जितनी आप घरेलू बातें करते हो ना, आपको भोजपुरी फिल्में ट्राई करनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि आपके पास कंटेंट है, आपका जो फिगर है ना एकदम भोजपुरी हीरोइन जैसी है। आप लहंगा पहन लो, लड़के वो लोग मान लेंगे। क्या भौकाल मचा दिया है ना। एक बार जोरदार तालियां मोनालिसा के लिए। तो अनु सर, हेमंत, रजत, रवि, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो इंडिया, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हाजिर होंगे कल कुछ नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट इंडिया। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और जाते जाते सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगा, होली के इस शुभ अवसर पर रंग बरसे, बहार बरसे, आपके जीवन में खुशियों की फुहार बरसे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वाली रंग बरसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.